तो यहाँ पे सरोज ने शाम की चाय चढ़ा दी है और देखिए चाय बन चुकी है, बस थोड़ा सा इसको पकना बचा है। तो अभी हो रहा है शाम के, बज रहे हैं 4:45 और यहाँ पे जो थोड़े बहुत बर्तन हैं दिन के वो भी वो साथ साथ में लगा रही है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं। कुछ इधर हैं, कुछ अंदर सो रहे हैं और माही को देखिए खेल रही थी, खेलते खेलते सोफे पर ही सो गई। और ये हरसू उठ के आ गई, अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई है। और जो है ये राधिका है, वहाँ अपने क्ले से खेल रही है। और ये देखिए माही कितने आराम से मतलब सोफे पे खेलते खेलते सो गई है। और यहाँ पे सॉरी क्ले नहीं है, इसके कलर की किट है और ये किट दिखा रही है आप लोगों को। और आज इसकी चोटी ये मैंने बनाई थी जब मैं आई थी सुबह। हेलो राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति कुबेर ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने फैमिलीज के साथ मस्त होंगे। तो आज हम आए हैं घर की तरफ, मतलब घर आए हैं अपने ससुराल। और मैंने ये वीडियो जो है दोपहर से बनाना शुरू करा, दोपहर नहीं शाम हो गई है, सॉरी दोपहर बोल रही हूँ, 4:45 बज गया है। और अभी घर में सब लोग सो रहे हैं, छोटे बच्चे जो भी हैं, और जो है पापा लोग भी अभी आराम कर रहे हैं। चाय बन गई है, सरोज चाय बना रही थी तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए। तो मैंने कहा चलो वीडियो भी बनाना शुरू कर देती हूँ। और मम्मी गई हैं दूध लेने, मम्मी दूध लेके आएंगी, फिर उसके बाद हम लोग सब लोग बैठ के चाय पियेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे। और अभी देखो सरोज कह रही है कि पानी पूरी खानी है, तो शायद हो सकता है आज पानी पूरी भी खाएं हम लोग। हरसू पानी पूरी खाओगी? हरसू भी खाएगी पानी पूरी, और इसको खांसी भी हो रही है बहुत ज़्यादा, और इसको पानी पूरी भी खानी है लेकिन खाना नहीं खाना है इसको। खाना नहीं खाना है, खाना नहीं खाना है कह रही है। इधर आओ जरा, यहाँ हरसू से मिलवाती हूँ आपको, बहुत दिन हो गए हरसू से नहीं मिली। राधे राधे बोल दो सबको। राधे राधे। तुमको खाना नहीं खाना है? पानी पूरी खानी है? देखिए आज इधर आओ मेरे पास आओ, ये देखिए इतने चुनने चुनने से बच्चे हैं, इनको भी खाना नहीं खाना है और पानी पूरी खानी है। अच्छी लगती पानी पूरी? पानी पूरी इसको अच्छी लगती है। चलो फिर पानी पूरी बनाए। चलो ठीक है, चलिए फिर चाय पीते हैं, उसके बाद मम्मी आ जाए, पहले मम्मी से फिर पूछ के फिर बताते हैं कि पानी पूरी खाते हैं नहीं खाते हम लोग। तो देखिए हमने पानी पूरी बनाने की तैयारी कर दी है शुरू। और यहाँ पे आलू बॉईल करने रख दिए थे जो कि बॉईल हो चुके हैं, उन्हें मैं छील रही हूँ। और यहाँ पे रख दिया है हमने रिफाइंड ऑयल, और ये है हमारी पानी पूरी और आलू छील रही हूँ। और इधर देखिए प्रभा पीछे पानी का काम कर रही है क्योंकि पानी की बड़ी दिक्कत है। तो ये एक्वागार्ड का पानी जो निकलता है इसे हम लोग कपड़े वपड़े धोने में यूज़ कर लेते हैं, वो कर रहे हैं। और आलू बॉयल होके हल्के मैश कर दिए हैं, उसके बाद हमने अपना वही ट्रेडिशनल पहाड़ी नमक इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पर अब मैं पानी पूरी को बताशे जो है उन्हें मैं फ्राई कर रही हूँ, और सरोज ने जो है वो मसाला मिक्स कर रही है आलू में। और बहुत ही टेस्टी पानी पूरी बने थे, बहुत ही यम्मी पानी पूरी हो रहे थे, बहुत इंजॉय किया हमने पानी पूरी आज। और बस ये हो गया अब थोड़ा ठंडा, और फिर उसने जो है इसमें देखिए अब हरा धनिया ऐड कर रही है, और खूब सारा प्याज काटा था वो भी ऐड कर रहा है इसने। और थोड़ा आलू दो जगह अलग निकाला है, एक जगह पापा के लिए और एक जगह बच्चों के लिए निकाला है क्योंकि पापा प्याज डाल के नहीं खाएंगे। और ये हमारे लिए, हम सबके लिए आलू का बैटर कर दिया उसने, बहुत ही चटपटा हो रहा था आलू का बैटर, बहुत ही टेस्टी हो रहा था पताशे के अंदर डालने के बाद, और बहुत ही यमी लगा। और पताशे देखिए हमारे कितने सारे बने। और यहाँ पे मम्मी जो है पानी बना रही है पानी पूरी का, मतलब सबने कुछ ना कुछ किया है। मैंने पानी पूरी तली थी, आलू जो है छिले थे, और सरोज ने सारा मिक्स किया। और यहाँ पे ये पुदीना जो आपको दिख रहा है ये हमारे गार्डन का है, उसे पीस लिया है सरोज ने, और मम्मी ने उसी पानी में पुदीना भी ऐड कर दिया है। पुदीना डाल के पानी पूरी का पानी बहुत टेस्टी हो जाता है। और लास्ट में मम्मी ने यहाँ पे एक नींबू का रस डाल दिया है, कुछ बूंदी रखी थी हमारे पास वो भी हम लोगों ने डाल दी है इसमें। और फिर उसके बाद मम्मी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगी। पुदीना डालने से, बूंदी डालने से और नींबू डालने से बहुत ही टेस्टी पानी बना था। सॉरी आज मेरा गला भी थोड़ा ख़राब हो रहा है इसलिए बीच बीच में। और पानी पूरी देखिए कितनी सारी बनी हुई है। और फिर हो गई थी शाम और आ गया था टैंकर, क्योंकि जयपुर में पानी की बहुत दिक्कत है हमारे घर पे, तो देखिए टैंकर मंगवाना पड़ता है, हर हफ्ते मंगवाना पड़ता है, हफ्ते में एक बार। तो ये टैंकर है जो ये पानी है, ये हम लोग जो है बाकी एक्स्ट्रा काम में लेते हैं, पीने का पानी तो हम लोग भर लेते हैं क्योंकि आ जाता है घर पर, इतना ही आता है कि बस पीना पानी और थोड़ा बहुत भर जाए, लेकिन पूरे यूज़ के लिए हमें टैंकर डलवाना ही पड़ता है। तो प्लीज़ सेव वाटर, क्योंकि जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ बहुत दिक्कत है, और जहाँ पानी है तो वहाँ लोग मिसयूज़ करते हैं पानी का।
और मम्मी चेयर लगा के बैठ गई क्योंकि मम्मी थक गई थी इधर उधर करते करते, और माधव खेल रहा है मम्मी के साथ ही। और मुझे हल्का सा सर्दी और जुकाम लग चुका है, और पापा भी आ गए हैं साथ में। और उसके बाद देखिए पापा साथ साथ में, पापा ने टैंकर जैसे ही खाली हुआ वैसे ही पापा जो है यहाँ पे अपना कूलर भी सेट कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी पता है आप लोगों को बढ़ गई है। तो पापा ने कहा चलो मैं बैठा हूँ तो मैं कूलर भी सेट कर लेता हूँ। तो पापा ने आज शाम को ही कूलर भी सेट कर दिया है खिड़की पर। और ये पापा और मम्मी के कमरे का ही है कूलर, तो वहीं पे पापा सेट कर रहे हैं। बाकी अभी बच्चों ने नहीं लगाए क्योंकि सभी को कोल्ड हो रखा है। ये देखिए यहाँ पे प्रभा जो है आग चलाने की तैयारी कर रही है, और हंसी भी आ रही है उसको और आग अभी जली नहीं है। देखते हैं आज ये आग जलती है या नहीं जलती है। जल रही, जल गई, जल गई, जल गई, जल गई। किसने जला रही हो आग? देखिए इतने प्यार से कोमलता से बोल रही है। यहाँ पे आग इसलिए पहले जला दिए क्योंकि अभी ये लकड़ियों को जलाया है, और फिर जब इसका कोयला बनेगा, कोयला ही बनाएंगे ना प्रभा? हाँ, तब रोटी बनेंगे, और इससे क्या है फुली फुली रोटियां बनती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ वीडियो, और प्रभा बेल रही है रोटी, और सरोज सेक रही है रोटियाँ। और रोटियाँ वाकई में मतलब बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ही टेस्टी चूल्हे की रोटी। मतलब सबने बहुत अच्छे से खाना खाया आज, और बहुत ही सबको अच्छा लगा चूल्हे की रोटी। गर्मी तो थी लेकिन हम लोग का कार्टन पीछे खुला है तो इतनी गर्मी हमें पता नहीं चली, और रोटियाँ बहुत टेस्टी थी। बस इनमें मैंने सिर्फ घी लगाने का काम किया, बाकी जो है सेकी दोनों ने मिलकर, और देखिए कितनी अच्छी फूली हुई रोटी बन रही है। और इनको थोड़ा झाड़ लेते हैं, और इन रोटियों से गैस भी नहीं बनती है और खाने में भी स्वाद लगती है। और हम लोग यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा है, तो खूब हंसी आ रही है प्रभा को और सरोज को, तो हम लोग हंसी मजाक भी कर रहे थे और साथ साथ में रोटियाँ भी बना रहे थे। और देखिए प्रभा को कितनी हंसी आ रही है, बहुत ज़्यादा ही हंसी आ रही थी। और देखिए कितनी सुंदर सुंदर रोटियाँ बन रही हैं। आइए आप लोग भी चूल्हे की रोटी खाने। चूल्हे की रोटी खाने का एक अपना ही अलग मजा है, और टेस्टी तो वाव बहुत ही अच्छी लगी चूल्हे की रोटी। आप लोग भी बनाते होंगे अपने अपने घरों में शौकिया, तो हम लोग ने बनाया था ये कि शौक है हमारे कि कभी कभी अच्छी लगती है करके। और काफ़ी लोग बनाते होंगे, कौन कौन ऐसे बनाता है अपने घर में रोटी, तो कमेंट करिएगा मुझे बताइएगा। देखिए ये देखिए एक रोटी रखी, दूसरी रोटी सेकनी शुरू कर दी। ये मैं हूँ और ये मेरी बहनें हैं, और हम बना रहे हैं रोटियाँ। आओ जल्दी खाओ। रोटियाँ बन गई हैं, और अब अंधेरा दिख रहा होगा तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि बाहर हम लोग अपने छोटे से गार्डन में रोटी बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा अंधेरा आ रहा होगा। लाइट्स ऑन है बट अंधेरा आ रहा है। और अब मैं जा रही हूँ रोटियों में घी लगाने, क्योंकि वो लोग रोटियाँ बना, एक जना बेल रहा है एक जना सेक रहा है, तो मैं घी लगा देती हूँ और फिर मम्मी को देख के आती हूँ, मम्मी सबका खाना रखेंगी। गुड मॉर्निंग राधे राधे। तो ये ब्लॉग मेरा कल एंड नहीं हुआ, यहाँ पर क्या लग गया, ये मान्या का काजल लगा हुआ, और ब्लॉग का मैंने एंड ही नहीं किया पाई कल जो है, क्योंकि घर गए थे, फिर वहाँ से हम लोग अभी जस्ट आए, फिर मैंने सफाई करी है घर में, पूजा करी है अपनी, और इधर दूध भी गर्म कर दिया है। और आज है मेरा मंडे का फास्ट, तो अब जा रही हूँ मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, क्योंकि चाय इनको भी पीनी है, चाय बनाती हूँ और ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। और बहुत मेहनत करके मैं ब्लॉग बनाती हूँ आप लोगों के लिए, और बहुत मेहनत करी है मैंने इस ब्लॉग में भी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो फुल वॉच करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।